नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको यूपीटेट 2018 में जो EVS वाले सेक्शन में प्राइमरी लेवल में संविधान के सवाल पूछे गए उनके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो किसके द्वारा आहूत की जाती है यानी बुलाई जा सकती है। तो चार ऑप्शन थे आपके पास। तो हम जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक कौन आहूत कर सकता है, तो सही आंसर है राष्ट्रपति। दूसरा सवाल यूपीटेट 2018 में पूछा गया कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग बताना है हमें, तो हम जानते हैं इसमें अनुच्छेद 243 होता है, अनुसूची 11 और भाग होता है इसका 9। तो ये था इसका आंसर। अगला सवाल जो यूपीटेट 2018 में पूछा गया वो था कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो हम जानते हैं 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसका संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला सवाल था भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार जो है, विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। तो चार देशों के नाम है, तो हम जानते हैं जो लिया गया था विचार, तो हमारा सही आंसर है इंग्लैंड। अगला सवाल था लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो हम जाते हैं चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करना, सूची तैयार करना, इसके अलावा पूरे चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है अधिसूचना जारी करना, ये काम है हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। संविधान से संबंधित आखिरी सवाल जो 2018 में पूछा गया वो था लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं। तो प्रथम घंटा वो होता है जिसमें जो सदस्य होते हैं लोकसभा के वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं यानी प्रश्न पूछते हैं, तो इस घंटे को हम कहेंगे प्रश्न काल। तो ये थे जो 2018 में पूछे गए। इसी तरह टॉपिक वाइज और ईयर वाइज क्वेश्चनों के सॉल्यूशन जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।